आज के समय में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां महिलाएं काम नहीं करती, खासकर भारत में जहां महिलाओं को कई दशक पहले अच्छी गृहिणी बनने की सीख घर घर में दी जाती थी। वहीं वे आज के समय में घर के कामों और नौकरी दोनों में अच्छा कर रही हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि भारत में किसने ये शुरुआत की? वर्तमान में जो महिलाओं की स्थिति है, जो कद है, उसकी शुरुआत कई महिलाओं ने की, जिसमें से एक का जिक्र आज के इस वीडियो में हम आपसे करने जा रहे हैं। वो शख्सियत हैं डॉक्टर कमल जयसिंह रणदिवे, जिनका आज 8 नवंबर को जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के सम्मान में गूगल ने भी उन पर डूडल बनाया है। कमल रणदिवे ने शुरुआती दौर में कैंसर पर कई शोध किए। वास्तव में स्तन कैंसर की घटना और अनुवांशिकता के बीच संबंध का प्रस्ताव रखने वाली वह पहली शख्स थीं। इस बात की पुष्टि बाद में कई शोधकर्ताओं ने भी की। किस्मत से कमल का जन्म उस घर में हुआ जहां के पुरुष लड़कियों को पढ़ाने और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना गलत नहीं समझते थे। कमल के पिता दिनकर पुणे के फर्गसन कॉलेज में एक जीव विज्ञान के प्रोफेसर हुआ करते थे। उनका उद्देश्य था कि घर के सभी बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, खासकर बेटियों को। कमल अपने पिता की उम्मीदों पर एकदम खरी उतरी। उन्होंने जीवन की हर परीक्षा अच्छे अंकों से पास की। कमल हमेशा कुछ नया सीखती और उसमें अच्छा करके दिखाती थी। इसी तरह बेटी का दिमाग देख उनके पिता चाहते थे कि कमल डॉक्टर बने और उनकी शादी भी किसी डॉक्टर से ही हो। लेकिन कमल ने वो रास्ता नहीं चुना। उन्होंने फर्गसन कॉलेज से वनस्पति विज्ञान और जूलॉजी में स्नातक की पढ़ाई की और भारत की पहली और अग्रणी महिला वैज्ञानिकों में से एक बनकर उभरी। वह भारतीय महिला वैज्ञानिक संघ माने IWSA की प्रमुख संस्थापक सदस्य भी थीं। डॉक्टर कमल जयसिंह रणदिवे को 1982 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लीज वियर मास्क एंड फॉलो कोविड-19 गाइडलाइन।